करो। क्या नाम सर आपके? नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे। आज किस तरह का ये आयोजन किया गया था? ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था हमारी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पे, और इसमें मेरे साथ अपना ब्लड बैंक के डॉक्टर प्रशांत गुप्ता हैं। हम दोनों ने मिलकर के अपना यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रक्तदान महादान, किसी भी चीज़ पे अगर मान लो किसी का अगर ब्लड ज़्यादा अगर बह जाता है तो उस पेशेंट को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया ताकि ज़रूरत के वक्त पे हम किसी की जान बचा सकें। और जैसा कि ब्लड देने से किसी तरह की कोई कमजोरी भी आती? ब्लड डोनेशन किसी हेल्दी पीपल के लिए जिसको रिसेंटली कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है, और अगर वो पहले से उसके शरीर में खून की कमी नहीं है तो ब्लड डोनेशन से कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा शरीर कुछ ही टाइम में वापस फिर से ब्लड जो है वो बना लेता है। और इस हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपने एक बार ब्लड डोनेट करा है तो उसके बाद आपको 3 महीने रुक करके फिर दोबारा ब्लड डोनेट करना चाहिए। श्री अरिया हॉस्पिटल द्वारा ये पहला इवेंट है, इस तरह के इवेंट आगे भी किए जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग इस तरह के जो भी सामाजिक कार्य हैं जिससे जनता की भलाई हो सके हम हमेशा उसके लिए तत्पर हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हम लोग इस अपने देश के लिए काम करें और हम लोग जनता के लिए काम करें। जय हिंद जय भारत। और मैं डॉक्टर राकेश आप सभी को अब आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पे आज का जो है रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है श्री हरि अस्पताल में। बामनी केड़ा में नया अस्पताल खुला है। अब अस्पतालों में ये एक परंपरा है कि हर एक व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की कमी को पूरा किया जा सके, और इसी पहल में आज श्री हरि अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग कितने लोगों ने इस मुहिम में भाग लिया? अभी तक 25 लोग रक्तदान कर चुके हैं और अभी आगे चल भी रहे हैं। अभी भी कोई अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगा कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा, 45 किलो से वज़न ज़्यादा और 12.5 ग्राम से हीमोग्लोबिन ज़्यादा जिसका भी हो वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। हर 3 महीने में किसी भी पुण्यतिथि पर, किसी भी जन्मदिन पे अपने या जन्मदिन पे, किसी भी विशेष दिन पे आप रक्तदान कर सकते हैं। आज आप श्री हरि हॉस्पिटल पहुँचे, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बहुत ही अच्छा आयोजन था, उत्साहवर्धक भी है। पूरा देश पूर्व गौरव के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। एक जो नया अस्पताल इतने अत्याधुनिक खुला हुआ है डॉक्टर राकेश पांडे के निर्देशन में, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया ये ग्रामीण अंचल में, उसके लिए डॉक्टर राकेश पांडे एवं प्रशांत केसी पैथ लैब के जो डॉक्टर है केसी पैथ जी, काफ़ी उनका सहयोग अति सराहनीय है। इससे आम जनता को भी बोलूँगा कि ब्लड दान करने से खुद को भी फायदा होता है। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि 33% अटैक पड़ने की संभावना कम होती है और नया ब्लड बढ़ने से अच्छा रहता है, तो सभी रक्तदान करें, ऐसा प्रण लें। कभी बर्थडे पे या किसी स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पे, ये बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर राकेश पांडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे। आज किस तरह का ये आयोजन किया गया था? ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था हमारी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पे, और इसमें मेरे साथ अपना ब्लड बैंक के डॉक्टर प्रशांत गुप्ता हैं। हम दोनों ने मिलकर के अपना यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रक्तदान महादान, किसी भी चीज़ पे अगर मान लो किसी का अगर ब्लड ज़्यादा अगर बह जाता है तो उस पेशेंट को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का
आयोजन किया ताकि ज़रूरत के वक्त पे हम किसी की जान बचा सकें। और जैसा कि ब्लड देने से किसी तरह की कोई कमजोरी भी आती? ब्लड डोनेशन किसी हेल्दी पीपल के लिए जिसको रिसेंटली कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है, और अगर वो पहले से उसके शरीर में खून की कमी नहीं है तो ब्लड डोनेशन से कोई जरूरत ना कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा शरीर कुछ ही टाइम में वापस फिर से ना ब्लड ना जो है वो बना लेता है। और इस हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपने एक बार ब्लड डोनेट करा है तो उसके बाद आपको 3 महीने रुक करके फिर दोबारा ब्लड डोनेट करना चाहिए। श्री हरि हॉस्पिटल द्वारा ये पहला इवेंट है, इस तरह के इवेंट आगे भी किए जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग इस तरह के जो भी सामाजिक कार्य हैं जिससे जनता की भलाई हो सके हम हमेशा उसके लिए तत्पर हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हम लोग इस अपने देश के लिए काम करें और हम लोग जनता के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। और मैं डॉक्टर राकेश आप सभी को अब आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पे आज का जो है रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है श्री हरि अस्पताल में। बामनी केड़ा में नया अस्पताल खुला है। अब अस्पतालों में ये एक परंपरा है कि हर एक व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की कमी को पूरा किया जा सके, और इसी पहल में आज श्री हरि अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग कितने लोगों ने इस मुहिम में भाग लिया? अभी तक 25 लोग रक्तदान कर चुके हैं और अभी आगे चल भी रहे हैं। अभी भी कोई अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगा कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा, 45 किलो से वज़न ज़्यादा और 12.5 ग्राम से हीमोग्लोबिन ज़्यादा जिसका भी हो वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। हर 3 महीने में किसी भी पुण्यतिथि पर, किसी भी जन्मदिन पे अपने या जन्मदिन पे, किसी भी विशेष दिन पे आप रक्तदान कर सकते हैं। सर, आज आप श्री हरि हॉस्पिटल पहुँचे, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बहुत ही अच्छा आयोजन था, उत्साहवर्धक भी है। पूरा देश पूर्व गौरव के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, एक जो नया अस्पताल इतने अत्याधुनिक खुला हुआ है डॉक्टर राकेश पांडे के निर्देशन में, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया ये ग्रामीण अंचल में। उसके लिए डॉक्टर